हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो यहाँ पे अभी जो मेरा कुबेटा देख सकते हो, जहाँ ये 2 साल हो चुका है और ये करीब 1800 घंटे चल चुका है। तो इसका जो 8वां सर्विस था वो अभी करूँगा मैं आज को, तो उसका भी वीडियो मैं डालूँगा। इसके बारे में मुझे कुछ बताना है। ये इसका जो 2 साल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक हॉनेस्टली रिव्यू मैं देना चाहती हूँ। तो आपका क्या राय है इसमें, मैं दूँ या ना दूँ? तो आज तो इसका सर्विस होगा, उसका मैं फुल वीडियो में देने वाला हूँ। और एक बात, इसका जो डीजल फिल्टर है वो मुझे शोरूम में नहीं मिला, बस मुझे इसका जो इंजन ऑयल है वो मिला है, और जो हमारा इंजन ऑयल का फिल्टर है वो मिला है। बस यही चेंज होगा आज। और डीजल फिल्टर जहाँ पे मिलता है, हुगली पे हमारा वायर हाउस है कुबोटा का, वहाँ पे कोरोना का वजह से वो बंद पड़ा है, इसलिए आ नहीं रहा है। तो बस इतना ही मुझे वीडियो डालना है इसका जो सर्विसिंग का। और आप क्या बोलते हो, इसका एक रिव्यू दूँ? क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसके साथ, मुझे क्या क्या हो रहा है उसका एक वीडियो मैं देना चाहती हूँ। तो आपका क्या राय है इसमें, बताइए। পুরাতন মোবিলে পড়লে কিছু হবে না, ছেড়ে দাও। তো 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 গাড়িতে আর ঢালবে না, ট্রলিতে ফলিতে লাগিয়ে দেবে হয়তো। সেই তেলটা চিটে ভাবটা ছিল কোনটা এইটার মোবিলটা? হুম, আছে, ফেলে দেওয়াই ভালো, 250 ঘন্টা হয়ে গেছে। আরে আবার ঘুরিয়ে না, এখানে একটু তেল পড়ে যাবে তো, পড়ুক না, একটুখানি থাকে ওইটুকু, কি হবে। রাস্তায় চলছে যখন, কালকে আমি যে গাড়িটা গেল কোথায়? আমি ভরে দিয়েছিলাম। মোটরসাইকেল চাবি নাকি? হুম, কি চাবি দে, এর আরেকটা চাবি আছে তো। ফোন করতাম, এই রিচার্জ শেষ হয়ে গেছে তো, বিকেলে করে নিয়ে চলে যাবে ভাইয়ের কাছে। ফোন করতাম, জিও টু জিও ফ্রি থাকে না? আর হচ্ছে না, হচ্ছে না, না মানে অনেক। কি করবে, হ্যাঁ কি করবে? হ্যাঁ, ছাগলে রেঞ্জটা স্লিপ করলো।